राजा कमलनयन यानी कि विराट नगर में रहती थी तो रानी सुदक्षिणा ने पूछकर दे दी कि मेरे भाई को ऐसे मत रहना। बहुत इनकार किया कि अरे चाहे कितना एक काम करा ले पर मत भेजेगा रानी। लेकिन धमका कर पोतल हाथ में दे दी और वह कृष्ण की रचना लगाती हुई कीचक के महल के सामने जाकर खड़ी हो जाती। कीचक के चौपड़ी थी आज रात का समय कदे बाहर आया और कदे भी चल रहा। बाहर आया सारंदरी को खड़ा दिखा धन भाग ओहो मैं तेरा आदर सत्कार करता तो इस समय मेरे महल में आई है मैं तेरा बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक बात में उसका धन्यवाद करता है तो पंडित जी उन्हें कैसे फूल लगाए हैं इसे भाई ये नमन हर कहते कि तीन तीन फूलों की जोड़ देखिए पंडित जी ने कैसे जोड़ मिलाई। अरे आज भर तू कशी जितने दूर दूर हटने लगे। जब मैं बात सुन तू रात में मेरे महल में आई है न कि मैं तेरे महल में गया जब किसी ने मेरा पटका तो दूसरी तू होगी मैं नहीं। या तो हम कहेंगे कि वह महाराज है या हम गए तो किस चक ने बना या बात तो हम कहेंगे
दूर के हम बस हो जिए चले धन्यवाद करता हूँ। हम 106 भाई मेरे समेत, 105 मेरे भाई शिक्षा मन, 106 भाई कतिरानु पड़े महारानी और सुनाम की बिल्ली भी बढ़िया करते और तू सब की सब दिया जाए भी तेरा धन्यवाद दास जी सबसे उत्तम हुए उपमा में, लेकिन काली यदि हमारी हरियाणवी भाषा के लिपि न होने की वजह से पंडित जी पीछे रहे, नहीं तो कालिदास की पंडित जी की उपमा कालिदास लो भी हो गए। न्यू कह के मन न्यू राज्य हो गया हरियाणे पे जो करो वो कछान फूटे जेरे हो आकर जिहरे मत है एक एक बाल्टी का जगह उचारी ही बनाकर शिक्षा करता और सुबह जाता था वो वहां उसने फसल हरी मिलती पानी के तोड़े में वहां फसल हरी मिलती उस फसल को देख के चक्रो किसान राजी होता करता तेरे आने पर मंजूर राजी ओ हम मर लिए तेरे
गौरवास्तु जी।